नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि मल्होत्रा FS IVF सेंटर से आज आपको IUI यानी कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब बच्चेदानी और इंसेमिनेशन मतलब डालना। सरल शब्दों में इसका यही मतलब है कि बच्चेदानी के अंदर सीमेन डालना। अब IUI करने के बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं और बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। इंडिकेशंस मतलब किन किन कंडीशंस में हम एक इनफर्टाइल कपल को IUI ऑफर करते हैं। IUI उन कपल्स में किया जाता है जिनके अंदर सीमेन में प्रॉब्लम हो या तो सीमेन एब्सेंट हो, सीमेन में स्पर्म्स ही नहीं हैं। उन केसेस में हमें डोनर सीमेन लेकर IUI किया जाता है, या फिर सीमेन के मात्रा में, सीमेन में स्पर्म्स कम होते हैं या स्पर्म्स की मोर्टिलिटी कम होती है, इन केसेस में IUI का सहारा लिया जाता है। या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज जैसी कंडीशंस है जिसमें भी IUI का प्रयोग किया जाता है, या फिर सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है। सर्वाइकल यानी कि बच्चेदानी के मुंह के ऊपर ऐसी सिचुएशन है जो स्पर्म्स को अंदर नहीं जाने दे रही। या फिर एक कंडीशन होती है वेजेनिस्मस, जिसमें फीमेल और मेल पार्टनर का इंटरकोर्स नहीं हो सकता, उन केसेस में भी IUI का सहारा लिया जाता है। या फिर कोई और सीवियर प्रॉब्लम हो, जैसे इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा है, इरेक्शन प्रॉब्लम हो, इन केसेस के अंदर भी IUI का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने आपको इंडिकेशंस बताई हैं, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन सुनिए किन केसेस के अंदर हम लोग IUI रिकमेंड नहीं करते। जब नलें बंद हो, जिसको ट्यूबल ब्लॉक बोलते हैं, ट्यूबल ब्लॉक TB की वजह से हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है, या पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो उसकी वजह से हो सकता है, इन सिचुएशंस में हम IUI नहीं कर सकते। अंडेदानी के अंदर अंडे ही नहीं बनते हों, जिसको हम कई बार बोलते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, या फिर लो AMH लेवल, या कभी मेनोपॉज हो जाए पेशेंट को, तो उन सिचुएशंस में भी IUI कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। बच्चेदानी के अंदर लाइनिंग खराब हो, जैसे उसके अंदर बहुत सारे एडिशंस हो, इन केसेस में भी IUI काम नहीं करेगा। तो ये तो हमने बताया IUI करने के इंडिकेशंस और IUI करने की कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब हमें ये पता करना है कि IUI प्रोसीजर में एक्चुअली क्या किया जाता है। पेशेंट को हम लोग सेकेंड डे पे बुलाते हैं, सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स पे उसकी दवाइयाँ शुरू करते हैं। कई केसेस में इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, जैसे PCOD केसेस में। ये दवाइयाँ इंजेक्शंस इसलिए दिए जाते हैं कि मरीज़ के जो एग्स हैं अंडेदानी में से फॉलिकल्स बने। इसको हम ट्रांसवजाइनल स्कैन, जिसको TVS बोला जाता है, उससे हम फॉलोअप करते हैं। ये 4-5 बार ट्रांसवजाइनल स्कैन करा जा सकता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए। उसके बाद जब एग का साइज़ बिल्कुल ठीक पहुंच जाता है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसको ट्रिगर दिया जाता है। ट्रिगर ऐसा इंजेक्शन होता है जिससे वो अंडा अंडेदानी में से निकल जाए, रप्चर जिसको बोला जाता है। जब ये एग रप्चर हो जाता है, इसके 36 घंटे के बाद आमतौर पर IUI किया जाता है। IUI करने में जिस दिन IUI किया जाता है उस दिन क्या क्या करना होता है। सीमेन सैंपल कलेक्ट किया जाता है स्टराइल कंडीशंस में लैब के अंदर। वो सीमेन को फिर हम लोग प्रिपेयर करते हैं, सीमेन प्रिपरेशन की जाती है, जिसमें से उसके अंदर से सारी गंदगी निकाली जाती है और सीमेन का बेस्ट स्पर्म्स लेके एक पिपेट के द्वारा बच्चेदानी के अंदर ये रखा जाता है। ये काम बिना एनेस्थीसिया के प्रॉपरली बहुत सरल तरीका होता है जिससे किया जाता है, और अच्छे सेंटर में इसका सक्सेस रेट 15-20% रहता है। IUI की प्रक्रिया 5-6 टाइम्स करी जा सकती है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट IVF के मुकाबले काफ़ी कम है। IVF में सक्सेस रेट जाता है 60% तक अच्छे सेंटर्स में, बट IUI का सक्सेस रेट बेस्ट सेंटर्स में भी 15-20% ही रहता है। तो
अब मैंने आपको सारी जानकारी आईयूआई के बारे में दी है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, आप मेरे को एफएसआईवी सेंटर में आके मिल सकते हैं। आप मेरी अपॉइंटमेंट नीचे दिए गए नंबर से ले सकते हैं या लाइब्रेट के थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हैं।